हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बायोफार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में यूनिट सेकेंड आपकी है बायो अवेलेबिलिटी के बारे में आज हम जानेंगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव वायबिलिटी क्या होती है वो हम जानेंगे, और बायोबिलिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी फार्मेसी में इसको आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड है ना बायोअवेलेबिलिटी, इसका मतलब होता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम इट डोजस फॉर्म। आप ये कह सकते हो कि क्या होता है, ये वो रेट होता है या वो एक्सटेंट मीन्स अमाउंट होता है ड्रग का, जो कि अनचेंज ड्रग है वो अपनी डोजस फॉर्म से कितना एब्जॉर्ब हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम इट डोजस फॉर्म से कितना वो एब्जॉर्ब होकर आ रही है ड्रग आपकी। दूसरी भाषा में अगर बात किया जाए तो हम ये कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर रेड रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कितना आपका जो ड्रग है उसका फ्रैक्शन, उसका भाग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, ब्लड के अंदर पहुंच रहा है कि ड्रग का जो भाग है उसे क्या बोलते हो बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि जो आपका डिफरेंट डिफरेंट रूट्स अगर हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं वो हमारी ड्रग की बायबिलिटीज को क्या करते हैं चेंज कर सकते हैं या उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो हमने एक ऑर्डर दिया है आपका, ऑर्डर किस चीज़ का, बायबिलिटी रेंज का, डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अगर हम ड्रग को पैरेंट्रल लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बायबिलिटी होती है, अगर हम ओरल लेते हैं तो उससे कम बायबिलिटी होती है, अगर हम रेक्टल लेते हैं तो उससे कम, और अगर टॉपिकल हम ड्रग ले रहे हैं तो उससे भी कम। ये हमने ऑर्डर आपको बताया कि कुछ ऑर्डर में बायबिलिटी रेंज घटती चली जाती है। अब दो टर्म्स आते हैं आपकी बायबिलिटीज में, एब्सोल्यूट बायबिलिटी एंड रिलेटिव बायबिलिटी। तो एब्सोल्यूट बायबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट का मतलब एकदम 100% कह सकते हो, एकदम सॉलिड। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जब सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ड्रग की जो हो रही है, जो हम ओरली ड्रग ले रहे हैं उसको हम कंपेयर करते हैं इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन से, जो आपकी ड्रग की सिस्टमिक अवेलेबिलिटी है उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, आईवी से कंपेयर करना। सिस्टमिक अवेलेबिलिटी जो भी ड्रग ओरली ली जा रही है उसको हमने क्या किया, आईवी से कंपेयर किया, इसी चीज को आप एब्सोल्यूट अवेलेबिलिटी बोलते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स आईवी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट या स्टैंडर्ड मानते हैं। क्यों, क्योंकि आईवी के केस में क्या होता है 100% अवेलेबिलिटी होती है, आईवी की केस में 100% अवेलेबिलिटी है, इसीलिए हम आईवी से कंपेयर कर रहे हैं अपनी ओरल डोजेस फॉर्म को, उसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये था आपका एब्सोल्यूट बायबिलिटी। एब्सोल्यूट बायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू AUC EV अपॉन AUC IV इंटू डोज IV अपॉन डोज EV। जो एरिया अंडर द कर्व EV मतलब एक्स्ट्रावास्कुलर रूट का क्या था, डिवाइडेड बाई एरिया अंडर कर्व IV रूट का कितना था, इंटू डोज IV की कितनी थी, और डिवाइडेड बाई डोज EV मतलब एक्स्ट्रावास्कुलर रूट की डोज कितनी थी, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हम जानेंगे कि रिलेटिव वायबिलिटीज क्या होती हैं। रिलेटिव वायबिलिटीज क्या होती हैं, जो अगर हम यही जो सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ड्रग की है ओरली उसको हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, उसी सेम चीज के दूसरे कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ड्रग की जो है ओरली ड्रग की उसको कंपेयर करते हैं सेम अवेलेबिलिटी, मतलब एक ओरल को दूसरे ओरल से कंपेयर करना। रिलेट मतलब एक डोजेस फॉर्म एक ओरल को दूसरे ओरल से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हो रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। रिलेटिव बायोबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू AUC EV1 अपॉन AUC EV2 इंटू डोज EV2 अपॉन डोज EV1। ये आपका क्या है, रिलेटिव बायोबिलिटी का फॉर्मूला है। अब हम जानेंगे, ये तो चलिए जनरल बात हुई रिलेटिव और एब्सोल्यूट के, अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बायोबिलिटी स्टडीज के, मेन क्या उद्देश्य है, आप क्यों ये स्टडीज पढ़ रहे हो, क्यों उनका एम क्या है बेसिकली। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ये आपका डेवलपमेंट, जो भी कोई भी डोजेस फॉर्म है, कोई भी न्यू एंटिटी है, न्यू एंटिटी से हमें डोजेस फॉर्म बनाना है, इसका प्राइमरी स्टेज होता है बायोबिलिटी। बायबिलिटीज हमारी एक प्राइमरी स्टेज होती है कोई भी डेवलपमेंट होने का, किसी भी डोजेस फॉर्म के डेवलपमेंट होने का, जो भी न्यू एंटिटी आई है उसके डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी स्टेज आपकी बायबिलिटी है। दूसरा है हमारा कि कोई भी नई फॉर्मुलेशन जो है वो बनाने के लिए, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग है, मतलब ड्रग ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी कोई नई फॉर्मुलेशन बनानी है, तो बायबिलिटी स्टडीज क्या होती है हमारी, डेवलप की जाती है या स्टडी की जाती है। तीसरा हमारा है कि इसका हम यूज करते हैं सेफ्टी हो गया, एफिकेसी हो गया ड्रग का, वो डिटरमाइन करने के लिए बायबिलिटीज को हम पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं बायबिलिटीज के थ्रू सेफ्टी या एफिकेसी ड्रग की निकाल लेते हैं।
फिर आपका चौथा ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या कर सकते हैं बायबिलिटीज स्टडी से, हम ये पता कर सकते हैं कि एक्सीपिएंट हो गया, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, जो इंटरेक्शंस होते हैं, एफिकेसी होती है, इन सब का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे ड्रग पे। हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर पता कर सकते हैं एक्सीपिएंट का, पेशेंट का, या पेशेंट पॉसिबल इंटरेक्शन का अपनी ड्रग पे, अपनी ड्रग पे इन सब का क्या असर पड़ रहा है, इस चीज़ को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की क्वालिटी क्या है ड्रग प्रोडक्ट्स की, उसको कंट्रोल करने के लिए अर्ली रिसर्चेज ऑफ मार्केटिंग, मतलब जब ड्रग की मार्केटिंग हो रही है उस टाइम पे अगर हमारे क्वालिटी जो ड्रग की है उसको हम कंट्रोल वे में बायबिलिटीज के थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस जान सकते हैं, स्टोरेज, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग की, एब्जॉर्प्शन की, ये सब भी हम बायबिलिटीज के थ्रू एस्टिमेट आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम डिफरेंट डोजेस फ्रॉम या फ्रॉम द सेम डोजेस फ्रॉम प्रोडक्ट बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। हम क्या कर सकते हैं, ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं, या तो सेम डोजेस फॉर्म में कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चररों, मतलब एक दवा है दो अलग अलग उनकी डोजेस फॉर्म में, एक टैबलेट है, कैप्सूल है, तो आप दोनों की अवेलेबिलिटी ड्रग की कंपेयर कर सकते हो, या तो मान लीजिए दोनों टैबलेट्स हैं लेकिन दोनों की कंपनियां अलग हैं, एक सिप्ला बना रहा है और एक आपका सन फार्मा बना रही है, तो ये अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर है, उनसे अपनी सेम डोजेस फॉर्म को कंपेयर करना आपका क्या है बायबिलिटी स्टडीज में आता है, ये सब हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि आपको ये टेबल दिख रही है, टेबल में हमने आपको क्या बताया कि क्या कौन सा रूट होगा, उसकी बायबिलिटी कैसी होगी और क्या उसके कैरेक्टर्स होंगे, अगर बायबिलिटी ऐसी है तो क्या कैरेक्टर शो करेगा। तो सपोज मानिए पहला था एंट्रावेनस रूट, अगर एंट्रावेनस रूट है उस केस में आपकी 100% बायबिलिटी होती है और सबसे ज़्यादा रैपिड ऑनसेट एक्शन होता है एंट्रावेनस का। दूसरी बात करें तो इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर क्या होता है 75 से 100 आपकी इसकी बायबिलिटी होती है, कभी कभी क्या होती है फिसेबल, मतलब चेंज भी हो सकती है, और ये क्या होता है इंट्रामस्कुलर पेनफुल होता है, मे बी पेनफुल है आपका। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस का भी यही है 75 से 100, और ये आपका क्या होता है स्मॉल वॉल्यूम रेंज में आता है, और सबक्यूटेनियस क्या होते हैं वो भी पेनफुल ही होते हैं आपके। सबक्यूटेनियस के बाद नेक्स्ट रूट है आपका ओरल, ओरल रूट की बायबिलिटी आपके 5 से लेकर 100 से कम हो सकती है, और ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, मोस्टली हम क्या करते हैं ओरल डोजेस फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ओरल का कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट होता है इसमें और ये सिग्निफिकेंटली यूज़ किया जा रहा है। रेक्टल आपका रूट नेक्स्ट है, रेक्टल रूट, रेक्टल की बायबिलिटी 30 से लेके लेस देन 100 है आपका, इसका क्या होता है आपका फर्स्ट पास इफेक्ट कम होता है ओरल के कंपेरेटिव, रेक्टल का फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होगा बहुत कम होता है। लास्ट आपका है इनहेलेशन रूट, इनहेलेशन रूट का जो बायबिलिटी रेंज है 5 से लेकर लेस देन 100 होता है आपका, और ये क्या होता है रैपिड होता है, वेरी ऑफ्टन रैपिड इनहेलेशन थेरेपी जो होती है इनहेलेशन रूट आपका ऑफ्टन कभी कभी देखा जाता है कि ये रैपिडली काम करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप लिसनिंग।